क्वेश्चन दिया गया है, इफ सेवन टाइम द सेवंथ टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू द फाइव टाइम द फिफ्थ टर्म देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स ट्वेल्थ टर्म। क्वेश्चन में हमसे ट्वेल्थ टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। यहाँ पर ट्वेल्थ टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है, तो जहाँ पर इसमें एन दिखाई दे रहा है वहां पर हमें एन की जगह पर ट्वेल्व रखना है। तो चलिए इस इक्वेशन में एन की जगह पर पहले ट्वेल्व रख लेते हैं, ये हमने रख दिया है। तब यहाँ पर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर ट्वेल्व में से वन चला जाएगा तो यहाँ पर इलेवन डी हो जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पर ए ट्वेल्व इजिकल टू ए प्लस इलेवन डी हो जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है कि सेवंथ टर्म मतलब जो है वो सेवन टाइम है इक्वल में हो जाता है फिफ्थ टर्म के फाइव टाइम के। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो एपी नंबर ऑफ टर्म जो सीरीज होती है एपी सीरीज वो ए प्लस जीरो डी मतलब कॉमा ए प्लस वन डी ये होता है कॉमा ए प्लस टू डी, इस प्रकार ये सीरीज चलती हुई चली जाती है। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेवंथ टर्म, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेवंथ टर्म क्या है। सेवंथ टर्म जो हो जाएगा ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा, ये सेवन टाइम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेवंथ टर्म सेवन टाइम है किसके इक्वल में है फिफ्थ टर्म के। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म देखेंगे ए प्लस फोर डी हो जाएगा, लेकिन ये फिफ्थ टर्म के फाइव टाइम का जो फिफ्थ टर्म है उसका फाइव टाइम करेंगे, तब ये दोनों इक्वल हैं आपस में। सिक्स टर्म जो सॉरी सेवंथ जो टर्म है वो सेवन टाइम उसका इक्वल है फिफ्थ टर्म के फिफ्थ टाइम के। तो चलिए ये हमने यहाँ पर जो कंडीशन दी थी क्वेश्चन में वो लिख ली है। अब इस सेवन की इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेवन ए प्लस 42 डी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। और इधर ये फाइव की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करा देंगे तब ये फाइव ए प्लस 24 डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब करना ये है इधर सेवन ए है और इधर फाइव ए है, इस फाइव ए को उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तब ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए ले जाते हैं यहाँ पर ये ले आए तब ये हो जाएगा सेवन ए माइनस फाइव ए इजिकल टू में इधर ये जो 20 डी बचा है इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। और इधर लेफ्ट हैंड साइड से 42 डी को उठाएंगे इस राइट हैंड साइड में ले आएंगे तब ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं 20 डी माइनस 42 डी ये लिख लिया है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में सेवन ए में से 5a चला जाएगा तब यहाँ पर 2a बचेगा, तो यहाँ पर ये 2a बचा। अब इधर यहाँ पर जब ये 20d में से 42d माइनस कर देंगे तब ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 22d। ये अब ये जो 2 से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे 22 को, तो यहाँ से चलिए कर देते हैं ये 11 टाइम में चला जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो वैल्यू बचेगी ए इजिकल टू माइनस 11 डी बचेगी। तब यहाँ से ए वैल्यू उठाएंगे माइनस 11 डी, ए की वैल्यू माइनस 11 डी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे अगर। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पर ए 12 इजिकल टू मिल जाएगा माइनस 12 डी, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू रख ली है माइनस 12 डी और यहाँ पर सॉरी 11D रख दी है यहाँ पर ए की वैल्यू, और यहाँ पर प्लस 11D पहले ही था। अब यहाँ से एक तो ये निगेटिव हो गया दूसरा पॉजिटिव, तो ये जीरो हो जाएगा दोनों आपस में माइनस होकर। तो ये 12 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ये जीरो हो जाएगी, तो ये 12 का जो ट्वेल्थ टर्म होगा एपी सीरीज का वो जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है सेकेंड वाला। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।